नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। साक्षात्कार की श्रृंखला में आज एक बहुत विशेष साक्षात्कार आपके सामने शुरू होने जा रहा है। हमारे साथ बैठे हुए हैं श्री अजय शुक्ला जी, जिनका अभी हाल ही में 2021 में UPPSC के थ्रू असिस्टेंट प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर के पद पर सोशोलॉजी सब्जेक्ट से सिलेक्शन हुआ है और आप वर्तमान में जौनपुर में इस पद को सुशोभित कर रहे हैं। और चूँकि आप लोग को क्षेत्र का भी बहुत विशेष लगाव रहता है, तो बता दूं मैं कि आप गोंडा जिले के जो है मूलतः निवासी हैं और जितनी भी इनकी हायर एजुकेशन है वो सभी लखनऊ विश्वविद्यालय से है। और सबसे अच्छी बात ये है कि हमारे संपर्क में 4-5 साल से आप हैं और समीक्षा अधिकारी के लिए हमसे जुड़े थे, लेकिन उससे कई गुना अच्छी पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर पर आज आप जो है पहुँच गए हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अजय जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको इस सिलेक्शन के लिए। थैंक यू सो मच सर। और सर, आपसे जुड़ने का सौभाग्य मुझे सर 2019 में हुआ था। और हमारे साथी, हमारे मित्र जो है दुर्गेश जी, उनका इंटरव्यू भी आप लोगों ने देखा होगा इसी चैनल पर। CDPO हैं, CDPO के पद पर चयन 2021 में, और उनकी पोस्टिंग हमारे गोंडा जिले में ही है। और उनके साथ ही आपके साथ RO से जुड़े थे। धीरे धीरे मैं भी तैयारी कर रहा था और ख़ास करके GS के पेपर में मुझे मदद मिली। और जब मेरा GIC में सर सिलेक्शन हुआ, GIC जो लोक सेवा आयोग के थ्रू पेपर होता है, उसमें सर GS में जो है सहायता मिली। ख़ास करके सर आपका मार्गदर्शन जो SA और हिंदी में रहा, वो सर उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और ख़ास करके सर आपने पर्सनली जो मेरी SA की कॉपी चेक की और आपने सर हिंदी में जो आपने गाइड किया, सर उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे लिए भी बहुत गर्व का विषय ये है कि भले ही आप समीक्षा अधिकारी के लिए हमसे जुड़े थे, लेकिन आपने जो है उससे बहुत अच्छी पोस्ट जो है उससे ऊपर हायर पोस्ट जो है आपने प्राप्त कर ली है। तो थोड़ा सा आप सिस्टमेटिक बात करते हैं, तो ये सफलता जो है आपके जीवन में क्या मायने रखती है अभी जो है? अभी तो सर फिलहाल जो है एक, अभी तक चाह रहे थे कि एक नौकरी मिल जाए। और पहले तो ये था कि तैयारी तो आए थे किसी दूसरी चीज़ के लिए, लेकिन सर कोई ज़रूरी नहीं होता है कि आप जिस चीज़ को चाहो वही मिल जाए। तो आदमी जो है प्रयास करता रहता है, उसी प्रयास में सर मुझे पहले तो लगातार असफलताएं मिल रही थी। मैंने 4 राज्यों के लोक सेवा आयोग का इंटरव्यू दिया। अच्छा। रिटर्न एग्ज़ाम मेरा क्वालिफाई हुआ। लोक सेवा आयोग का मतलब PCS एग्जाम? PCS जो होता है वो असिस्टेंट प्रोफेसर। अच्छा, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो है वो रिटर्न मैंने क्वालिफाई किया। अच्छा। हरियाणा, उत्तराखंड और उसके बाद राजस्थान और उत्तर प्रदेश, जिसमें मुझे जो है अपने यहाँ अभी इंटर कॉलेज GIC में UPPSC के थ्रू सिलेक्शन मिला, और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज GDC ये भी लोक सेवा आयोग के थ्रू UPPSC के थ्रू असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे जो है चयनित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अच्छा। और सर जो चीज़ें इसमें रही कि चूँकि अभी तक जो पोस्ट थी कि हाँ, मतलब मैं तैयारी तो कर रहा था कि हाँ एक जॉब मिल जाए, लेकिन सर अभी जो मुझे पोस्ट मिली है वो UP सरकार की सबसे बड़ी पोस्ट है। बिल्कुल। और जो SDM है वो सर 5400 ग्रेड पे की है। आपके साथ 6000 ग्रेड पे की जॉब है, जो यूपी सरकार की सबसे बड़ी जॉब है लोक सेवा आयोग के थ्रू। जो निश्चित रूप से ये प्रसन्नता का विषय है आपके लिए भी। जी सर। तो आपके परिवार में क्या रिएक्शन है इस जो है सफलता के लिए जो है? सर फिलहाल तो सब लोग खुश हैं और ये चीज़ें हैं, लेकिन लोगों का पहले से भी मेरा इंटरेस्ट थोड़ा जो है सिविल सर्विस की तरफ था, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट की तरफ था। और टीचिंग तो एक मेरी हॉबी रही है, अभी जब भी रहता है तो पढ़ाना लिखाना क्लासेस, चूँकि इस समय मेरी वर्तमान में PhD चल रही है लखनऊ विश्वविद्यालय से डॉक्टर विनोद चंद्रा सर के अंडर में। अच्छा, PhD आप किस टॉपिक पे कर रहे हैं, किस सब्जेक्ट से? सर मेरा बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अच्छा। जिस चीज़ से हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, खास करके डिजिटल का आजकल बोलबाला है, तो उसमें सर मेरा जो टॉपिक है डिजिटलाइजेशन एंड रूरल यूथ सोशियोलॉजिकल स्टडी। अच्छा, बहुत अच्छा है। तो सर चूंकि ये टॉपिक मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे लगा कि जब से खास करके जो गवर्नमेंट 2014 के बाद हमारी इंडिया गवर्नमेंट आई, तो उसने डिजिटलाइजेशन पे ज़्यादा फोकस किया, और आज हम लोग यहाँ जो क्लासेस वगैरह ले पाए आपसे सर, खास करके जो आपसे जुड़े हैं सर, तो डिजिटल मीडिया हम लोग तो पूरी तरह से ही ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन है, तो सर इसका जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला। तो मुझे सर ये चीज़ें बहुत इंकरेज की कि हाँ इस पर काम किया जाए।
और अच्छा, ये जो आपका रिसर्च का टॉपिक है, जी सर, तो इसमें क्या क्या एरियाज आप कवर कर रहे हैं? मतलब सर इसमें जो बेसिकली हमारा एरिया है वो यूथ को हमने वो अपना फोकस किया, क्योंकि सबसे ज़्यादा डिजिटलाइजेशन जो इफ़ेक्ट हुआ है वो यूथ पे सबसे ज़्यादा वो हुआ है। तो यूथ किस तरीके से इससे इन्फ्लुएंस हुआ है, इसका पॉजिटिव रिस्पांस क्या रहा है, निगेटिव रिस्पांस क्या रहा है, क्योंकि डिजिटलाइजेशन का पॉजिटिव ही एस्पेक्ट नहीं देखा जा सकता सर, इसमें निगेटिव चीज़ें बहुत हैं। जैसे आजकल हमने एक एवरेज देखा, अभी कुछ दिन पहले एक डेटा आया था जिसमें बताया गया कि करीब 8 से 9 घंटे जो भारतीय युवा हैं वो इंटरनेट पे अपना समय व्यतीत कर रहे बिल्कुल कर हैं। रहे हैं। तो अगर वो पॉजिटिव तरीके से उसका यूज़ कर रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर उसका निगेटिव यूज़ कर रहे हैं, जैसे खास करके रील्स हो गया और यूट्यूब्स हो गए, तो इन सब चीज़ों पे, तो वो उनके लिए एक तरीके से शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से नुकसानदेह है। बिल्कुल और है। खास करके जो कीमती समय है, खास करके युवा जो क्या नाम है 18 से 30 वर्ष का जो होता है, 29 वर्ष का, उसके लिए सबसे प्रीशियस टाइम होता है। बिल्कुल अगर वो इसको यूज़ करता है तो वो कहीं ना कहीं डिजिटल मीडिया या इन सब चीज़ों का सपोर्ट लेके बहुत आगे तक जा सकता है। अब आजकल हम लोग जैसे रिसर्च पेपर जो है हम लोग पढ़ते हैं, तो पहले ये था कि हम लोग बुक्स के माध्यम से पढ़ते थे तो उसको पढ़ने में काफ़ी टाइम लगता था, एक्सेसिबिलिटी नहीं मिल पाती थी, लेकिन अब क्या है कि हम लोग ऑनलाइन हर चीज़ एक्सेस कर ले रहे हैं। तो ये सर इस सब चीज़ों का बहुत अच्छा बेनिफिट रहा है, तो इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा सर नहीं, अच्छा अटेंड टॉपिक किया। है, और जब ये आप कर लीजिएगा तो एक बार आके जो है हमारे यहाँ इस पे जो है अपना जो आपकी फाइंडिंग्स हैं जी उस सर पे हम लोग डिस्कशन करेंगे बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल जो सर है। बिल्कुल सर। तो कब तक उम्मीद है कि आपकी PhD अप्रूव हो जाएगी, पूरी हो सर जाएगी? PhD तो अब जल्दी जमा करने वाले हैं, क्योंकि अभी अच्छा, तक क्या था कि मेरी जॉब तो लग गई थी, सिलेक्शन मेरा 2022 में ही हो गया था, लेकिन सर ज्वाइनिंग नहीं मिली थी, तो ज्वाइनिंग अभी मुझे जो है मई में मिली है और जौनपुर में राजकीय महिला मुझे लगता महाविद्यालय। है इस वर्ष आपकी PhD हो जानी हाँ चाहिए। सर अभी तो हम सोच रहे हैं कि अक्टूबर नवंबर तक अच्छा फाइनली जमा अच्छा करने के लिए। चलिए, आप डॉक्टर अजय शुक्ला कहलाएंगे जल्दी ही जो जी है। सर तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। पहले तो गोंडा में आप कहाँ से आते हैं? सर गोंडा में जो है हमारा ये बेलसर ब्लॉक पड़ता है, वहीं से सर रगड़गंज मार्केट है और बक्शैला गांव है मेरा, हाँ अच्छा तो अच्छा वहीं से मैं बिलोंग करता हूँ जी सर। अच्छा, और आपके परिवार में कौन कौन है और क्या क्या करते हैं सर लोग? परिवार में चूंकि अभी हमारी तो जॉइंट फैमिली है और ख़ास करके सर मेरे पिताजी नहीं हैं, तो मेरा जो पढ़ाने लिखाने का वो है मेरे बड़े भैया और अच्छा, पिताजी माताजी। का साथ कब छूट गया था? सर मैं करीब 4-5 साल का था, अच्छा, छोटा था मतलब तब। बहुत बहुत जी बहुत उस छोटा समय की था। तो याददाश्त भी लोगों को नहीं होती, 4-5 साल हाँ सर की। बहुत छोटे थे, लेकिन सर हमारे परिवार का विशेष सर अनुराग रहा और विशेष सहयोग रहा। और सर मुझे लगता है कि बचपन या मुझे लगता है कि पूर्व जन्म के कर्म मेरे कुछ अच्छे थे जो मुझे ऐसा परिवार मिला और मुझे हमेशा सपोर्ट किया। अच्छा और सर मतलब जो चीज़ें मैंने डिसीजंस जो लिए हमेशा सपोर्ट किया, इवन कई बार मेरे गलत भी डिसीजन रहे, जैसे मेरा सिलेक्शन दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुआ था PG में, मैंने वहाँ छोड़ दिया, फिर BHU गया, मुझे लगा कि हाँ यहाँ, फिर वहाँ भी मुझे समझ में आया, PG मैंने छोड़ दी, फिर मेरा थर्ड सेमेस्टर में JRF हो गया था, अच्छा, मैं एंडनेट JRF का पहले अटेम्प्ट में दिया, मैं PG कर रहा था तभी मेरा सिलेक्शन हो गया। बहुत बढ़िया रहा। तो हाँ उसके बाद में मुझे पता चला कि IIT से PhD होती है, अच्छा, तो मुझे लगा कि यार IIT के IIT का बारे चाम में, तो होता ही IIT है। का चांद तो था, तो मुझे लगा कि यार IIT जाना चाहिए। तो जब मैं IIT के लिए वो किया तो मेरा सिलेक्शन हो गया IIT पटना और IIT रुड़की में, तो IIT पटना में फाइनल सिलेक्शन हुआ तो मैं वहाँ पहुँचा और मेरा अकेले सिलेक्शन हुआ था, करीब 42 लोगों ने मेरे साथ रिटन एग्ज़ाम और उसके बाद इंटरव्यू दिया था, तो मेरा अकेले सिलेक्शन हुआ जब, तो मुझे लगा तो मैं तो बहुत स्पेशल हूँ। तो वहाँ जब पहुँचने के बाद मुझे लगा कि यार ये जगह मेरे लिए सुटेबल नहीं है, तो कुछ क्या वहाँ का दिन एम्बियंस, इन्वायरमेंट नहीं पसंद आया? क्या नहीं नहीं पसंद सर आया? इन्वायरमेंट तो अच्छा था, नो डाउट बहुत अच्छी चीज़ें थी और पढ़ाई, लेकिन थोड़ा मुझे सर लखनऊ सिकनेस रहा है, हाँ अच्छा, मैं लखनऊ चूँकि मैं यहाँ इंटरमीडिएट में आ गया था, इंटरमीडिएट के बाद ही मेरी सब स्कूलिंग यहीं लखनऊ विश्वविद्यालय से हुई और लखनऊ विश्वविद्यालय से मैंने ग्रेजुएशन किया, PG किया और PhD भी मेरी यहीं से चल रही, तो लखनऊ सीखने, अभी मुझे लखनऊ छोड़ना पड़ रहा है तो सर मुझे लगता है कि मैं अपना आज घर छोड़ रहा जौनपुर हूँ, अपेक्षाकृत तो पिछड़ा है ही है जो है। पिछड़ा है, लेकिन सर जो एक चीज़ें हैं ना कि लखनऊ मुझे अपने गोंडा घर से भी ज़्यादा अच्छा लगता है, हाँ
तो चूंकि मैंने अपना जो अप्स एंड डाउन्स जो एक मेमोरीज होती हैं वो मेमोरीज मेरी खास करके अच्छा, ये लखनऊ से आपकी ही है। ट्रांसफरेबल जॉब है कि नहीं जो हाँ है? सर ट्रांसफरेबल जॉब तो है। कभी ना कभी लखनऊ तो मौका मिलेगा ही। अभी सर नेक्स्ट ईयर ट्राई करेंगे बिल्कुल, अभी तो ज्वाइन किया है जी सर। तो इसीलिए मुझे लगता है कि हाँ ये असिस्टेंट प्रोफेसर की तो जॉब भाई बहन भी हैं? जी सर, अच्छा बड़े भैया हम लोग 5 भाई बहन हैं, अच्छा और जो हमारे बड़े भैया हैं वो लेखपाल हैं, उनसे अच्छा छोटे हैं वो बैंक में हैं, अच्छा और एक लोग हैं वो वकालत करते हैं बाकी खेती बाड़ी। अच्छा अच्छा और हमारा जो है सर, हम अभी तो आपके सामने हैं सर, हाँ मेरा तो नज़र कृषक परिवार है, अगर हाँ पृष्ठभूमि है सर तो पृष्ठभूमि कृषक। कृषक की है, अच्छा और माता जी जो हैं वो हमारी गृहिणी हैं। अच्छा तो उन्होंने बहुत सर, चूंकि हम लोग बहुत छोटे थे तभी पिताजी नहीं का नहीं ये निधन हो गया, तो तो उन्होंने कर्तव्य बहुत बड़ी, मतलब तो ट्रेजेडी है कि बचपन में ही जो है ऐसा हो गया। तो चलिए वही चीज़ें हैं कि हम लोगों के मतलब कैसे भी पाला पोसा क्योंकि और पढ़ाया लिखाया, जिन और लोगों के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ होता तो वे इस बात की कल्पना भी नहीं कर पाते हैं कि अगर पिता ना हो तो उसके बिना कैसे जीवन इंसान का हो पाता ये सर है। हमें कभी महसूस ही नहीं हुआ, चूँकि हमारे बड़े भैया और माता जी ने खास करके सर हमारी इस जर्नी में सर हमारी भाभी लोगों का बहुत सहयोग रहा अच्छा है अच्छा सर, उन लोगों का मतलब उन्होंने हमें बेटे जैसा प्यार दिया है। मतलब थोड़ा भैया से मेरा क्या है कि थोड़ा गैप, मतलब कि कम्युनिकेशन चूंकि एज में बड़े हाँ, वो होता ही है, तो दो भाइयों में अगर थोड़ा सा थोड़ा ज़्यादा गैप है तो तो डिस्टेंस हो ही जाती कम्युनिकेशन, है तो मुझे कभी कम्युनिकेशन। सर पैसे की ज़रूरत होती थी तो मैं डायरेक्टली नहीं बोलता था, तो मैं भाभी के पास फ़ोन करता था कि सभी के मेरे पास ऐसे ही कुछ ना कुछ माध्यम होते हैं घर में जो तो है उन्होंने खासकर। मतलब कभी मुझे ये नहीं पूछा कि हाँ क्या ज़रूरत है, बस सीधा भैया से बोलती हैं पैसे की ज़रूरत है तो वो मुझे पैसे ट्रांसफ़र कर देते। तो आपकी पूरी शिक्षा दीक्षा जो है शुरुआती तो हाई स्कूल इंटर वहाँ गोंडा से हुआ जी होगा, सर उसके बाद आप सारा लखनऊ में ही जी सर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जी सर पीएचडी सब जो है यहीं से चल रहा है आपका जो जी है। सर तो सर सबसे बड़ी चीज़ यही रही कि भैया हमारे साथ अभी तक मेरे साथ थे, जब मेरी नौकरी लग गई अभी 2022 तक उन्होंने अपनी फैमिली नहीं लेके आई लखनऊ में, मेरे साथ अच्छा मतलब एज अ बैचलर लाइफ जी रहे थे। अच्छा अच्छा भैया की जॉब यहीं बैंक में है, इसमें अच्छा रीजनल अच्छा मैनेजर हैं लखनऊ में चलिए, बैंक में, आपको और उन्होंने एक अच्छे मुकाम तक पहुंचा दिया हाँ सहयोग सर करके सभी ने अभी जो है। मतलब फैमिली अब लेके आए हैं सर 2000 में, जब मेरी जॉब लग गई मुझे यह था कि अब लखनऊ छोड़ना है, तो उन्होंने सर मेरे साथ बिल्कुल बैचलर लाइफ जैसे मैं जी रहा था वैसे लाइफ उन्होंने जी। अच्छा, आज हमारा जो हम लोग जो बातचीत कर रहे हैं क्योंकि आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जी सर तो थोड़ा सा हम लोग टीचिंग एग्जाम पर ही चर्चा कर लेते हैं, ज़रूरी जी नहीं कि सर हर इंटरव्यू में हम लोग समीक्षा अधिकारी की ही बात करें। जी सर जीआईसी प्रवक्ता जो जी है, सर चलिए पहले इसके बारे में बात करते हैं। जीआईसी प्रवक्ता में क्या एलिजिबिलिटी होती है, क्या क्या चरण होते हैं और क्या कैसे तैयारी करते हैं आप लोग जो इसकी जो है? जी सर जीआईसी जो है वो एक गवर्नमेंट इंटर हाँ कॉलेज का वो है, इसमें प्रवक्ता के पद पर आपका चयन होता है, और इसमें सर ये लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी के थ्रू है, ये यूपीपीएससी की एक एलाइड सर्विसेज है, और इसमें जो है जैसे एक प्री एग्ज़ाम होता है, ये स्क्रीनिंग एग्ज़ाम जैसे हम लोग पीसीएस यह में देते ऑब्जेक्टिव हैं, होता है ये हम। ऑब्जेक्टिव होते हैं, हाँ इसमें जीएस और आपके ऑप्शनल पेपर से क्वेश्चन जीएस होते का हैं कितना रोल होता है? सर, 40% जीएस होता है, 40 क्वेश्चन, अच्छा और हाँ 80 क्वेश्चन वो होते हैं अच्छा ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के। उसके बाद में ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आपको मेंस लिखना होता है, मेंस में सर जीएस होती है वो सर ये हिंदी का पेपर एक होता है, अच्छा और उसके बाद एक पेपर एस्से का होता है वो जिसमें सर परंपरागत होता है, हाँ उसके लिए आपने हमसे तो हाँ सर जिसमें गाइडेंस आपका में सर रहे हैं। विशेष हाँ विशेष हाँ सहयोग रहा, जी। और एक पेपर सर ऑप्शनल पेपर का होता है, जैसे पीसीएस में हम लोग ऑप्शनल लिखते हैं ऐसे अच्छा सर पूरा जो है ऑप्शनल पेपर होता है, हाँ 3 घंटे का ये भी पेपर होता है अच्छा, टीजीटी पीजीटी इसमें अलग अलग होता है ना? सर। टीजीटी जो होती है वो सर सेमी गवर्नमेंट होती है, अच्छा सेम, अशासकीय वाली होती ओके है, हम ओके लोग जब जीआईसी जो होता अच्छा, है जीआईसी ये फुली प्रवक्ता गवर्नमेंट होते ओके। हैं, हाँ ये जो है 4800 पे ग्रेड की जॉब है, और इसमें सर जो है लोक सेवा आयोग के माध्यम से वो करवाते हैं, तो आपको आगे चल के जब प्रमोशन मिलता है तो आप गजटेड ऑफिसर पोस्ट पे अच्छा जाते हैं, और अच्छा इसमें सर प्रमोशन जो होते हैं वो आप डीआईएएस और जेडी, अगर चूंकि मेरा सिलेक्शन सर जल्दी चूंकि 24-25 साल की एज में हो गया था, तो अगर मैं उसी पोस्ट पर रहता तो मेरा प्रमोशन जेडी ज्वाइंट डायरेक्टर अच्छा मेरा तक अच्छा होता, बहुत चूँकि अच्छा, प्रमोशन बहुत मतलब अच्छे होते हैं सर, अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इसमें अपॉर्चुनिटीज़ जो। होती हैं जी सर, और ऐसे सर डिग्री कॉलेज में भी तो चूंकि कुल मिलाकर अगर इसको समझें तो आपका अपना खुद का सब्जेक्ट मजबूत होना चाहिए जी पीजी सर वाला जिससे आप जी सर एग्ज़ाम दे रहे जी हैं, सर और 40% आपका खाली प्री में
सामान्य अध्ययन का रोल है जी 40% होता है, लेकिन सर जो खास करके जो सब्जेक्ट वाले बच्चे होते हैं, हमने जो सर जो नोटिस किया है उनका सर जीएस नहीं अच्छा होता है। जैसे मेरे साथ सर, चूंकि आपसे मैं जुड़ा था तो जीएस भी मेरा ठीक ठाक था, और फिर सर चूंकि इस बार पैटर्न चेंज हुआ था तो मेंस का जो आया था हिंदी का और एसए का पेपर, इसमें सर लोगों ने बहुत ज़्यादा वो कर दिया, और लोग उससे चूँकि इस बार जो आया था चूँकि मेंस के लिए 15 गुना बच्चों को बुलाना था उनको, लेकिन उनको बच्चे ही नहीं मिल पाए, 15 गुना बच्चे, 1.5 गुना बच्चे हमारे सब्जेक्ट में मिले, क्योंकि जीएस का पेपर टफ था, जीएस क्वालिफाई नहीं कर पाए। और सर पीसीएस का आप जानते ही हैं कि लोक सेवा आयोग का एक मानक होता है कि अगर 40% से कम नंबर आप लेके आते हैं तो ये आपको बाहर कर दिया जाएगा, आप चाहे जितना अच्छा सब्जेक्ट में क्यों। यही सर हिंदी और एसए वाले पेपर में था कि बच्चे बाहर हो गए, जो कि 40% का क्राइटेरिया पार नहीं कर पाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अच्छा, आपकी पूरी जर्नी सोशियोलॉजी पे ही रही है। जी सर। तो अगर किसी को सोशियोलॉजी पढ़नी है जी सर एज ए सब्जेक्ट जी सर, तो कौन कौन सी आप किताबें, क्योंकि अब तो ऑप्शनल नहीं है तो हम उस लेवल पे बात नहीं करेंगे जी सर, लेकिन फिर भी सोशियोलॉजी अगर पढ़नी है तो आपने क्या क्या किताबें पढ़ी हैं, आपके हिसाब से सबसे एलिमेंट्री किताब कौन सी है, उसके बाद क्या क्या जो है पढ़ना चाहिए जो है। सर सोशियोलॉजी अगर देखा जाए तो मैं एक्सीडेंटली सोशियोलॉजी में आया, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था मुझे, लेकिन एक बार हुआ क्या कि सोशियोलॉजी सब्जेक्ट मुझे मिल गया जब यहाँ लखनऊ यूनिवर्सिटी में, तो मैंने इंटरमीडिएट की, चूँकि इंटरमीडिएट मेरा मैथ से रहा है, अच्छा, पीसीएम ग्रुप से रहा, तो जब सोशियोलॉजी पहली बार मैंने इंटर की बुक जो है उससे पढ़ा इंटरमीडिएट में, और इंटरमीडिएट में सर जो टॉपिक्स होते हैं, चूँकि सोशियोलॉजी सोसाइटी से रिलेटेड है, तो उसमें मैंने पहला टॉपिक पढ़ा था विवाह। अच्छा। और जिस दिन मैंने पढ़ना शुरू किया था सोशियोलॉजी, उस दिन मैं रात में, मुझे याद है 10-10:30 बजे खाना पीना बना खा पी के उसके बाद में पढ़ना शुरू किया था सर, सुबह लगभग 3:30-4 बजे तक मैंने पढ़ा। उसी दिन विवाह, नातेदारी, परिवार और जितनी चीज़ें थी, जो चीज़ें मुझे लग रही थी कि हाँ ये सब चीज़ें मतलब जानते हैं, उसको पढ़ने में इतना इंटरेस्ट आया, फिर धीरे धीरे सोशियोलॉजी जो है एक वो बन गया। और इसमें सर किताब की बात करें तो पहले बेसिक्स जो है एनसीईआरटी अगर उठाएं, 11th और 12th की, अच्छा, मुझे लगता है कि इससे पढ़ना अगर स्टार्ट करेंगे तो लोगों के अंदर, चूंकि उसमें कहानियाँ होती हैं थोड़ी, और फैक्ट्स जो है कहानियों के माध्यम से समझाए जाते हैं, और जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, जैसे परिवार तो सब लोग जानते हैं कि परिवार क्या होता है, विवाह क्या होता है हर व्यक्ति जानता है, हर व्यक्ति इससे रूबरू, लेकिन परिवार की डिफिनेशंस क्या है, एक्चुअल जो है सोशियोलॉजिकल टर्म में इसको क्या है, कैसे डिफाइन किया जाता है, ये चीज़ें आप एनसीईआरटी, कई सारे विद्वान हैं उन्होंने अलग अलग जो थिंकर्स हैं उन लोगों ने कैसे जो है इन सब चीज़ों को डिफाइन किया है, तो ये चीज़ें समझने के लिए पहले आप उसकी कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, और ये कॉन्सेप्ट आपको बेसिक क्लियर हो जाएगा एनसीईआरटी से, और उसके बाद में सर जो इग्नू के नोट्स वगैरह होते हैं अगर आपको आगे फर्दर वो करना है, और तमाम तरीके की अगर हिंदी मीडियम में देखा जाए तो जेपी सिंह की बुक है, एक सचदेवा की बुक है, अच्छा, बुक है, और उसके बाद में दोषी एंड जैन की एक बुक आती है, अच्छा, ये है, डिक्शनरी एक आती है सोशियोलॉजी में हरिकृष्ण रावत की, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं जितने सोशियोलॉजी में, जैसे हम लोग डिक्शनरी हर सब्जेक्ट की होती है ऐसे सर उसकी डिक्शनरी है, अच्छा, कि जैसे संस्कृत क्या है इसकी डिफिनेशन बता दिया गया, परिवार क्या है, नातेदारी क्या है, सब समाज क्या है, हर चीज़ की डिफिनेशन बता दी जाती है वो आपको 4-5 लाइनों में, तो पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी इन सब चीज़ों से कि हाँ एक एक टर्म आपका क्लियर हो जाएगा उससे। अच्छा जी सर। अब तो मेंस का सब्जेक्ट हट गया, नहीं तो सोशियोलॉजी सबसे पॉपुलर सब्जेक्ट हुआ करता था इस समय में, इस बार तो टॉपर पीसीएस का सोशियोलॉजी से ही रहा है। हाँ, तो और सर टॉप 10 में सर लगभग 7-8 बच्चे तो सोशियोलॉजी से ही रहे हैं। पहले भी यही होता था सोशियोलॉजी, और डिफेंस जब आया था तो डिफेंस बहुत चर्चा में था, दो सब्जेक्ट जो है सबसे ज़्यादा जो है पढ़े जाते थे, सबसे ज़्यादा एग्जाम देते थे लोग जो है उससे। जी सर। तो अब थोड़ा सा जो है इधर आते हैं सामान्य अध्ययन वाली साइड में। जी सर। सामान्य अध्ययन की तैयारी, मतलब आपने बहुत ज़्यादा पीसीएस और वो तो अभी नहीं दिया था, आपने जुड़े ही थे लगभग शुरुआत में, तब तक आप जो इधर जीआईसी में हो गया आपका, फिर इधर हो गया, और उधर आपकी पीएचडी में आप इंगेज रहे। जी सर। तो फिर भी जो है सामान्य अध्ययन के लिए आपने क्या क्या कैसे तैयारी की, क्या क्या बुक्स पढ़ी जो है? नहीं सर, मेंस में जो है सोशियोलॉजी का रोल रहता है, और ख़ास करके चूँकि तैयारी मेरी अच्छी खासी थी, और सर जेआरएफ चूँकि 5 साल पैसा मिलता है,
तो पहले तो मेरी जब आपसे जुड़े थे तो सर तैयारी मेरी अच्छी हो गई थी, लेकिन सर 2021 में जिसमें हमारे मित्र दुर्गेश जी हाँ का चयन हुआ दुर्गे जी का। उसमें सर वो एग्ज़ाम में नहीं दे पाया था। उसमें सर मेरा एक्सीडेंट हो गया था एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले। अच्छा। उसके बाद में सर वो कोरोना फेज चल रहा था, तो तैयारी फिर ये था कि 5 ही साल JRF का पैसा मिलना है। तो एक सर फाइनेंशली डर सताने लगा कि अब नौकरी कहीं लेनी है, चूंकि 3-3.5 साल बीत चुके थे, 1.5 साल सर तो पैसा मिलना था मुझे। पर मंथ कितना मिलता है लगभग? अब तो सर अभी रिवाइज हो गया है तो हाँ लगभग 50 तक हो जाएगा। अच्छा हमको जो मिलता था सर 37, हाँ और अभी जब SRF प्रमोशन मिला है तो लगभग हाँ 43 के करीब तो मिला। ठीक ही था। और क्या, हाँ सर लखनऊ अभी जैसे सर, शहर में आराम से सम्मानजनक तरीके से रह के पढ़ने के लिए हाँ बहुत सर है। ये टैक्स फ्री होता हाँ है तो हाँ अपने कोई वो नहीं रहता है, हाँ इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आता है, तो सर अच्छा। सफिशियंट अमाउंट है। अगर आप बच्चा पढ़ना चाह रहा है और रिसर्च में भी अपना योगदान दे रहा है तो मुझे लगता है सर JRF एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, उससे अपने आपको जो है किसी भी तैयारी में और ख़ास करके रिसर्च के फील्ड में आप बेहतर करियर बना सकते हैं। तो सामान्य अध्ययन के लिए आपने जो है, जैसे उसमें सामान्य अध्ययन भी एक वास्ट वो है, जी सर, अलग अलग सारे टॉपिक्स हैं, सारे जी सब्जेक्ट्स हैं, सर, 8 सब्जेक्ट हैं अगर देखा जाए जो जी है सर, मोटा मोटा जो है, जी सर, तो किस तरह से आपने उसकी तैयारी की, क्या क्या बुक्स उसके लिए पढ़ी आपने, थोड़ा सा सब्जेक्ट वाइज अगर जो जो याद हो जो है। सर सब्जेक्ट्स के लिए तो बेसिक जो सबको पता है कॉमन की, हाँ हिस्ट्री के लिए जो है बिपिन चंद्रा और स्पेक्ट्रम हो गई, अच्छा और NCERTs वगैरह तो जियोग्राफीज के लिए हैं 6 से 12 तक। बॉल्टी, उसके पॉलिटी के लिए सर वही अपना लक्ष्मीकांत है, अच्छा और जो है नहीं ये सब आपने पढ़ी है ना जी जो सर है। ये सब चीज़ें पढ़ी। बेसिकली सर हाँ तैयारी मेरी वही थी, हाँ लेकिन जब ये मुझे लगा कि JRF जो है अब ख़त्म हो जाएगा, डर लगने लगा, तब मुझे लगा कि हाँ अब एक जॉब लेनी ज़रूरी है। नहीं अर्थ तो का तो बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, पैसा बहुत और सर जरूरी खास होता करके जब आप है। घर से पैसे लेते हैं तो एक सीमित पैसा मिलता है, 6-7 हज़ार 8 हज़ार में आपका खर्चा हो जाता है, लेकिन जब आपको एक ठीक ठाक अमाउंट मिलने लगता है उसके बाद फिर सर आप घर से पैसा नहीं ले पाएंगे। तो सर इस डर ने मुझे लगा कि अब कहीं ना कहीं एक जॉब लेनी पड़ेगी, और चूंकि मुझे ये था कि सब्जेक्ट पे मेरी कमांड थी, मेरा रिटेन हर जगह हो जा रहा था, मुझे लगा क्यों ना कि एक जॉब इधर अगर थोड़ा मेहनत करेंगे तो हो जाएगा, नहीं नहीं सही है, आप तो सही इधर सर ट्रैक मिल पे गया। गए। और सर चूंकि सोशियोलॉजी सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है जो GS में कई पेपर्स में मदद करता हाँ है, बिल्कुल करता है, जैसे सर क्यों सोशल इशूज़ तो फर्स्ट पेपर में है सर, सोशल इशूज़ पूरा टॉपिक क्वालिटी है, में भी काम आएगा पॉलिटी आपका, में है सर, इकोनॉमिक्स में भी थोड़ा इकोनॉमिक्स में बहुत तो रोल बहुत रहता है अच्छा सर, रोल है। और जो है सर आप इन्वायरमेंट में भी इसका वो है, इन्वायरमेंटल सोशोलॉजी हम लोग पढ़ते हैं तो इन्वायरमेंट में भी इसका ठीक ठाक रोल है। और इस तरीके से सर सोशोलॉजी जो है चूंकि सोसाइटी का पार्ट है और हम लोग जितनी भी चीज़ें पढ़ते हैं वो कहीं ना कहीं वो सोशोलॉजी से इंटर रिलेट होती है। अच्छा तो 2-3 सब्जेक्ट की हम लोगों ने बात की। आपने साइंस के लिए कौन सी बुक्स पढ़ी जो है? साइंस के लिए सर बेसिकली अभी बहुत ज़्यादा वो नहीं किया था, जो मटेरियल वगैरह प्रोवाइड करवाया गया था खास करके उसी से मैंने वो अच्छा किया, अच्छा और जो ये चीज़ें थी खास करके इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के लिए सर जो नोट्स हैं हाँ रमेश्वर सर के, उसी को मैंने वो अच्छा किया अच्छा था। अच्छा और ख़ास करके बीच में जब मेरा इधर रिटर्न एग्ज़ाम जब होने लगे और मैंने सर लगभग 7-8 इंटरव्यू दिया है, मैंने PGT का इंटरव्यू दिया सर, 1 नंबर से मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया, रिटर्न एग्ज़ाम हो गया था। उसके बाद में फिर सर मैंने हायर कमीशन का एग्ज़ाम दिया, उसमें सर मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया, इंटरव्यू तक मैं पहुंचा, रिटर्न वगैरह एग्ज़ाम हो गए। उसके बाद में फिर सर मैंने जो है GIC का दिया, प्री क्वालिफाई हुआ, मेंस दिया, पूरा फाइनल हो गया, GDC का दिया, मैंने हरियाणा का दिया सर, वहाँ भी रिटर्न क्वालिफाई हो गया, HPSC करवाता है, और इंटरव्यू से सर बाहर हुआ। अच्छा उसके बाद फिर सर राजस्थान का दिया, उत्तराखंड का दिया। इसके बाद में सर सोशियोलॉजी की कुछ पोस्टें स्पेशल पोस्ट आती हैं, जैसे सोशल वेलफेयर ऑफिसर की एक पोस्ट हाँ आती है हाँ सर बिल्कुल आती है। दिल्ली में सर, उसमें सर मुझे मतलब एक सीख मुझे मिली कि हमेशा कोई भी चीज़ एग्ज़ाम देने जाओ तो पहले उसके बारे में जान लो। तो वहाँ सर एक क्राइटेरिया था 40% का क्राइटेरिया, वहाँ सर मेरा सिलेक्शन 0.25 से रुक गया था, अच्छा और मैंने पूरा उसका नोटिफिकेशन नहीं पढ़ा था, उसमें सोशियोलॉजी सब्जेक्ट और GS पूछा गया था, एक एग्ज़ाम था वैली सुग्रेड पे की जॉब थी, मुझे लगा कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, सब्जेक्ट पे कमांड थी, GS भी ठीक ठाक था, लेकिन चूंकि थोड़ा मैथ वगैरह हमारा हाथ
तो वो है, तो इस वजह से मैथ को वो करने के चक्कर में सर पूरा पेपर मेरा गड़बड़ हो गया और पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाया, चूँकि 300 क्वेश्चन होते हैं, 3 घंटे में उसको सॉल्व करने रहते हैं। वहाँ सर मतलब मुझे एक सीख मिली कि कोई भी एग्ज़ाम देने से पहले उसके नोटिफिकेशंस को अच्छे से तैयार कर लीजिए कि उसकी एग्ज़ाम की डिमांड्स क्या है, क्या क्राइटेरिया है, और ये गलती कर दी मैंने वहाँ और मैं पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाया, वहाँ सर मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो ये चीज़ें सर उससे रही। अच्छा, थोड़ा सा पढ़ने की टेक्निक पे बात करते हैं। जैसे सभी लोग को जिज्ञासा भी रहती है जी सर, कि ख़ासकर जो है कोई सेलेक्टेड पर्सन अगर उनके सामने बैठा हो तो मन में ज़रूर प्रश्न आता है कि आप कैसे पढ़ते थे, कितने घंटे पढ़ते थे, क्या नोट्स बनाते थे, या क्या क्या मतलब आप करते थे जो है? सर नोट्स तो एक तो हमने आपसे डिस्कस ही किया है सर, वही नोट्स मैंने जो बनाया था एक JRF का एग्ज़ाम जब मैं दे रहा था, ग्रेजुएशन PG 3rd सेमेस्टर में मेरा JRF हुआ और पहले अटेंड में हुआ, और उसी समय सर मेरा अकेले उस समय JRF हुआ था लखनऊ यूनिवर्सिटी में पूरे डिपार्टमेंट में। अच्छा, तो ये था कि मेरी स्ट्रेटजी यही थी कि एक बार आप अच्छे से कोई भी चीज़ जो करें अच्छे से नोट्स बना लीजिए, एग्ज़ाम्स की डिमांड क्या है। तो एग्ज़ाम की डिमांड्स आपको तब पता चलेगी जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से मुझे लगा कि क्या क्या सेगमेंट, चूँकि पूरी चीज़ें आप नहीं कवर कर सकते हैं, आप पहले देखिए कट ऑफ कितना जा रहा है, प्रीवियस ईयर का कट ऑफ क्या जा रहा है, आपका क्या क्या सेगमेंट अच्छे से तैयार है, क्या सेगमेंट्स आपके वीक हैं, अगर वीक है सेगमेंट तो उससे क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, अगर उस जो आपका सेगमेंट वीक है उससे क्वेश्चन अच्छे खासे आ रहे हैं तब तो आपको तैयार करना चाहिए, लेकिन अगर वो सेगमेंट्स वीक हैं और बैटेज उसका कम है तो मुझे नहीं लगता है कि हाँ उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो यही चीज़ें मैंने स्ट्रेटजी वो की, और जब नेट JRF चूंकि दे रहे थे तो फर्स्ट पेपर का सर उसमें बहुत बड़ा रोल रहता है, तो जैसे उसमें जो है 10 सेगमेंट्स होते हैं, तो मैंने देखा कि थोड़ा मैथ मेरी वीक थी तो मैंने कहा डेटा इंटरप्रिटेशन वगैरह मुझसे होगा नहीं, तो उस पर टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, तो 2 टॉपिक मैंने छोड़ दिया, 8 टॉपिक को मैंने तैयार किया उसमें, और 8 में सर मेरा लगभग 35 क्वेश्चन सही थे, मतलब 40 क्वेश्चन का मैं टारगेट लेके चल रहा था कि 40 क्वेश्चन हो जाएंगे, जिसमें मेरे 35 क्वेश्चन सही थे। मैं थोड़ा सा अजय जी को रोकूंगा। देखिए, आपने तो जो कुछ बताया नेट JRF और टीचिंग एग्जाम्स के लिए बताया, लेकिन ऐसा नहीं है, ये जो कह रहे हैं ये हर एग्ज़ाम पे यही स्ट्रेटजी लागू होती है। कोई भी एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं पहले आप उसका नेचर समझिए कि उसमें क्या पूछा जाता है। उसके लिए आपको सबसे पहले सिलेबस को अच्छे से पढ़ना होगा और सिलेबस को ऐसे पढ़ना होगा कि सिलेबस आपको कंठस्थ हो जाए। कोई पूछे कि हिस्ट्री में सिलेबस में क्या लिखा था तो आपको पता होना चाहिए हिस्ट्री में ये लिखा था। फिर आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ले लीजिए जो भी ऑथेंटिक सोर्स हो, जैसे कि आप लोग जो जिस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं UPSC के, उसमें घटना चक्र पे ठीक ठाक जो है वो पूरा सीरीज है ही है उनकी जो है। सर घटना चक्र की सब एग्ज़ाम इसके लिए भी सब एग्जाम्स के लिए आती है घटना चक्र, तो और यूथ वहाँ पर संकलन है, आप उसको देखिए। फिर जो अजय जी ने बात कही कि आपके आप किसी भी एग्ज़ाम को 100% नहीं पढ़ सकते हैं, उसका पूरा 100% सिलेबस नहीं पढ़ सकते हैं, और 60% पे ही कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई भी हो जाता है, ये भी आपको अनुभव होगा कट ऑफ के हिसाब से जो है। तो आप 100% के चक्कर में कभी पढ़िए ही नहीं, पहले ये देखिए कि आपका क्या तैयार है उसको आप हटा दीजिए, उसको आपको रिवाइज करना है। फिर आप ये देखिए कि कहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं, और जहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं तो अगर वो आपकी तैयारी नहीं है तो आप उस पर अपना फोकस बढ़ा दीजिए। 10% ऐसे भी 20% ऐसे भी टॉपिक्स होंगे जहाँ से इक्का दुक्का क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अगर आप उसको पढ़ने चलेंगे तो आपका 2 महीना लग जाएगा उसको पढ़ने में, तो वहाँ आप रिस्क ले सकते हैं। आप 2-3 क्वेश्चन वाले जो बड़े टॉपिक हैं उनको आप छोड़ सकते हैं, बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, क्योंकि जो एनर्जी आप वहाँ अपनी लगाने जा रहे हैं अगर आप उसको इधर जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं वहाँ लगा देंगे तो निश्चित रूप से वो जो आपके लिए फलदायक होगा। सही, यही कहने का मतलब है जी सर। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स जो गलती करते हैं वो सर जो वेटेज जैसे पूरा सिलेबस कवर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर ऐसा तो है नहीं सर पूरा सिलेबस हर कोई कवर कर लेगा, अगर पूरा सिलेबस कवर करेंगे तो फिर आपका रिवीजन छूटेगा, बिल्कुल छूटेगा, और रिवीजन अगर छूटता है तो सर मुझे नहीं लगता है कि फिर आप वो कर पाएंगे, क्योंकि रिवीजन एक ऐसा साधन है जिससे आप कोई भी चीज़ है उसको टैकल कर लेते हैं। जैसे सब्जेक्ट जो हो गया, उस सब्जेक्ट में पूरी चीज़ें नहीं अच्छे से तैयार की जा सकती हैं,
बिल्कुल जीएस जैसे हम लोग सिविल सर्विसेज का एग्जाम देते हैं तो उसमें भी कई चीजें ऐसी हैं कि जिसका रोल ज्यादा होता है, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री का सर रोल ज्यादा है, यूपीपीएससी में बहुत ज्यादा है जी, उसके बाद में पॉलिटी में कुछ सेगमेंट्स हैं उसके जो रोल ज्यादा है, उसके बाद में ऐसे हमारा जो है इसमें इकोनॉमिक्स में, जैसे इकोनॉमिक्स में क्या है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, फिर करेंट्स का रोल अच्छा है, बजट्स हो गए, तो इन सब चीज़ों को जो चीज़ें जिन चीज़ का रोल ज़्यादा है उस पर हमें फोकस ज़्यादा करना चाहिए, जो चीज़ें आपने बताया। अभी रिसेंट यूपी पीसीएस का जो प्रीलिम्स हुआ था, अब तो रिजल्ट भी आ गया है जी सर, आपने देखा होगा बजट और इकोनॉमिक्स सर्वे से कितने सारे क्वेश्चन आए हैं जी सर, और बाकी क्लासिक इकोनॉमिक्स अब बहुत कम पूछी जा रही जी है सर, जी। अब जो है हर चीज़ करंट से रिलेट करके, भारत का द्विपक्षीय व्यापार क्या है, किस देश के साथ क्या है, क्या ज़्यादा निर्यात हो रहा है, क्या ज़्यादा आयात हो रहा है, रैंकिंग्स क्या हैं जी सर, और कोई सूचकांक जारी हो रहा है उसमें क्या रैंकिंग है, तो अब इकोनॉमिक्स जो है पूरी तरह से समसामयिक हो गई है, बहुत ज़्यादा क्लासिकल इकोनॉमिक्स जिसे कहते थे वो जो है अब नहीं पूछी जा रही है। तो अजय जी जो कह रहे हैं वो यही है कि आपको परीक्षा के ट्रेंड को समझना होगा जी सर, और ये ट्रेंड जो है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही उसकी झलक मिलेगी कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा उठ के आ रहे हैं, हमको उस पर ज़्यादा एनर्जी अपनी देनी है, जिनसे इक्का दुक्का बहुत रेयर क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें, और अगर वो आपके इंटरेस्ट का पोर्शन नहीं है या आपको लगता है कि इसको हम पढ़ेंगे तो ज़्यादा समय लग जाएगा इसको समझने में, तो आप उसको स्किप कर दीजिए, सिंपल सा तरीका है जो है जी सर। और यही जो है जितने भी लोग सफल हैं आज आप देखते हैं वो सबका यही राज है कि उन्होंने जो कोर एरिया है जहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना है वहाँ पर जो है ज़्यादा हैमरिंग की है, वहाँ पर ज़्यादा जो है फोकस किया है जी सर। तो आप जो नोट्स बनाते थे जी सर, मान लीजिए हमको हिस्ट्री का नोट्स बनाना है जी सर, तो नोट्स में होता क्या है, मतलब क्या हमको बुक का संक्षेपीकरण करना है या नोट्स क्या आपके हिसाब से नोट्स क्या बनते हैं? नहीं सर, नोट्स का मतलब जो हम लोग बुक है तो बुक पढ़ते हैं तो उसको संक्षेपीकरण कर देंगे तो फिर वही चीज़ें हैं कि वही आप चीज़ें उतार रहे हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप जब नोट्स जब आप बुक्स पढ़ते हैं तो उसको आप कोड में लिखते हैं, जैसे कि कोई चीज़ बताया गया, जैसे हम जो है गांधी जी के बारे में पढ़ रहे हैं तो गांधी जी का अगर पूरी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो बहुत बड़ी चीज़ें हैं, लेकिन गांधी जी का क्या क्या रोल रहा है, जैसे जो है हाँ, जो उनके जितने राष्ट्रीय आंदोलन रहे हैं तो उसमें अब बहुत चीज़ें उन्होंने की, तो इंडिया में जो चीज़ें उनका जो मेन रोल रहा है उन चीज़ों को हम जैसे जो है इसमें इनका जो असहयोग आंदोलन खिलाफत है, उधर भारत छोड़ो है सब, हाँ, तो इन सब चीज़ों में इनका क्या रोल रहा है और ख़ास करके उसमें क्या क्या चीज़ें जो है इन्होंने मतलब इनकलकेट किया है, हाँ, क्या सहयोग किया है, उन सब चीज़ों को जो है हम वो करेंगे, पूरी चीज़ें उसमें नहीं करते हैं, जो चीज़ें आपको मतलब याद हैं और ख़ास करके याद रहती हैं उन चीज़ों को आप ना नोट करिए, लिखनी जरूरत ही नहीं, और जो चीज़ें आपको लग रहा है कि हाँ ये चीज़ें हम भूल जाएंगे उसको आप कोडिफाई करिए, इसको आप फ्लो चार्ट में भी वो कर सकते हैं, अब जैसे गांधी जी के बारे में आ गए तो गांधी जी के बारे में आप फ्लो चार्ट में रखते हैं, इनका राजनीतिक जीवन क्या है, 1969 से शुरू करके उनका पूरा सफर लिखा जा सकता है 2-3 पन्ने में, उसके बाद में जी उनकी जो है व्यक्तिगत जीवन क्या रहा है, फिर उन्होंने क्या क्या मंत्र दिए, उनकी जो है बुक्स वगैरह में जो उनके समाचार पत्र वगैरह, तो ये चीज़ें जो है आप कैटेगराइज करके फ्लो चार्ट हो गया या फिर जो है डायग्राम के माध्यम से वो कर सकते हैं, बहुत चीज़ें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होती, एक्सप्लेन तो आपको बुक में ही है, आप उसको क्या है की टर्म्स में लिख के और अपने नोट्स में वो कर सकते हैं, और जब आप रिविज़न जैसे आपको नोट्स पढ़ना हो तो नोट्स पढ़ने के लिए कोशिश ये करिए कि आपने पूरा जैसे मॉडर्न हिस्ट्री ख़त्म करनी है तो मॉडर्न हिस्ट्री 2-3 घंटे में आप इतना नोट्स बनाइए कि 3 घंटे में आखिरी समय में आपका रिवीजन हो जाए, ऐसे करना चाहिए। जैसे सर मेरा नोट्स था जो मैंने सोशियोलॉजी के लिए बनाया था वो नोट्स मैंने इतने समराइज कर दिया था कि वो मेरा 3-4 घंटे में पूरा सोशियोलॉजी मेरी ख़त्म हो जाती थी। नहीं, मेरा आपसे बस ये पूछने का यही मतलब था, कुछ लोग नोट्स को ये मानते हैं कि वो किताब का संक्षेपीकरण है, दूसरा वो ये सोचते हैं कि मैं ऐसा लिखूं कि दूसरा भी उसको समझे। नहीं सर, ये अगर कोई किसी का नोट्स पढ़ रहा है अगर पर्सनल, जैसे सर कोचिंग्स के जो मटेरियल होते हैं वो थोड़ा डिटेल्स में होते हैं, वो लोगों को समझाने के लिए होते हैं, लेकिन जो नोट्स हम बनाते हैं खुद का वो हमें खुद समझने के लिए होता है, आप किसी को समझाने के लिए नोट्स नहीं बनाते हैं।
अगर आप किसी को समझाने के कुछ लिए लोग ना जो शुरुआत में जो जो इनको इस चीज़ का अनुभव नहीं होता है वो इस तरह से लिखने का प्रयास करते हैं कि मैं अगर अपने मित्र को भी नोट्स दे दूंगा तो वो भी उससे पढ़ लेगा, तो ऐसा होता नहीं है। आपको अगर ये करेंगे तो बहुत समय आपका व्यर्थ हो जाएगा। आपको नोट्स का मतलब यही है कि खुद लिखो, खुद समझो। जी जैसे डॉक्टर दवा लिखता है तो वो खुद ही जानता है कि हमने क्या लिखा, और मेडिकल स्टोर वाला समझ पाएगा उसको। जी, जी, जी। तो नोट्स का मतलब यही है कि सर खुद समझना है। अगर आप नोट्स बना के वो कर रहे हैं किसी को समझाने के लिए तो फिर तो कोचिंग जो कोचिंग का मटेरियल होता है तो उसमें और आपके नोट्स में क्या मतलब है। तो कोचिंग मटेरियल्स जो देते हैं वो क्रक्स देते हैं, वो आपको समझाने के लिए देते हैं, वो भी मतलब थोड़ा डिटेल होता है। लेकिन जो पर्सनल नोट्स बनाए जाते हैं वो सर बिल्कुल समराइज होते हैं। वो हमें लगता है किसी भी जैसे कोई भी टॉपिक हो गया वो मैक्स टू मैक्स 100 पेज में होना चाहिए, 100 पेज में पूरा कवर होना चाहिए आपका, पूरा सब्जेक्ट आपका। हाँ यही होना भी चाहिए क्योंकि वो रिविज़न के लिए है। मतलब नोट्स ऐसा हो कि आप उसको 24 घंटे में रिवाइज कर सकें पूरा जो है, तब तो ठीक है। अब सर मेरा जैसे पढ़ने की एक स्ट्रेटजी मैं अपना बताना चाहता हूँ। हाँ, बिल्कुल। कि लोग कहते हैं इतने घंटे पढ़िए इतने घंटे पढ़िए, सर मैं घंटों में नहीं बिलीव करता था। मैं डेली अपना टारगेट एक बनाता था खास करके कि जैसे मुझे ये चीज़ें पढ़नी है, तो मैं मेरे पास एक पॉकेट डायरी होती थी तो मैं उसमें नोट कर लेता था कि मेरा आज का टारगेट यह है। जैसे मुझे हिस्ट्री में ये पढ़नी है, ज्योग्राफी में ये पढ़नी है अपना, और सब्जेक्ट सर मैं डेली रिवीजन के लिए रखता था कि हाँ सब्जेक्ट में मुझे करना है। तो ये चीज़ें मुझे रहता था कि हाँ चाहे दिन में मैं पढ़ूँ या रात में पढ़ूँ, मतलब ये मुझे ख़त्म करके फिर सोना है। और ये नहीं कि हाँ अब ये चाहे 4 घंटे में ख़त्म हो रहा या 2 घंटे में ख़त्म हो रहा है या 7 घंटे 8 घंटे जितने भी लग रहे हैं, और ये नहीं कि हाँ मैंने आज 10 घंटे पढ़ाई की, तो घंटों में मैं सर बिलीव नहीं करता। और अगर वो टारगेट उस दिन नहीं पूरा होता था तो क्या करते थे? तो सर जैसे ये चीज़ें हैं कि एक डेली का टारगेट रखते थे सर, एक वीकली टारगेट हम रखते थे कि वीक में अगर जैसे किसी दिन, जरूरी नहीं कि हाँ आप डेली कंप्लीट कर लें। और सर जैसे 6 दिन का मेरा रहता था, एक दिन मेरा रहता था रिवीजन के लिए, जैसे जो चीज़ें छोटी है या फिर वो हुआ है तो वो रिवीजन के लिए मैं रखता था कि हाँ जितनी चीज़ें पढ़ी है उसको एक दिन रिवाइज करेंगे पूरा। ये चीज़ यही चीज़ मैं हमेशा बोर्ड पे खड़े होकर आप लोगों से कहता भी हूँ कि केवल 6 दिन आपको पढ़ना है, 1 दिन रिवाइज करना है। और यही आपको हर वो व्यक्ति जिसने अच्छे से पढ़ाई की है और कहीं ना कहीं सफल हुआ है, सफल नहीं भी हुआ है अगर वो सिंसियर है और पढ़ाई के लिए गंभीर है, तो यही एक तरीका है। क्योंकि जो एक बीमारी होती है ना, मतलब एक आम स्टूडेंट कहता है कि सर पढ़ते तो बहुत भूल जाते हैं। सर मेन चीज़ जो है हम लोग करते क्या हैं कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये हम लोगों की गलत स्ट्रेटजी होती है। हम जितना पढ़ रहे हैं उतना पचा पा रहे हैं। जैसे कई बार होता है ना कि हम ज़्यादा खा लेते हैं तो वो पचता नहीं है, तो वही चीज़ें हमारे साथ होती हैं कि जब ज़्यादा हम पढ़ लेते हैं तो मिक्सअप हो जाता है। जितनी चीज़ें आप पढ़े हैं वो धीरे धीरे डाइजेस्ट हो जाने दीजिए वो आपको। और जो मैं पढ़ने के लिए करता था कि जैसे मैंने आज पढ़ा तो उसको 2 से 3 दिन के बाद मैं उसको रिवाइज करता था, फिर 1 हफ्ते बाद रिवाइज करता था। तो ये चीज़ें थी, आप थोड़ा पढ़िए, 10 पेज पढ़िए, 15 पेज पढ़िए, लेकिन कोशिश ये करिए कि उसको रिवीजन में रखिए आप। अगर ये सोचे कि आज हमने क्या नाम है 50 पेज पढ़ा, कल अगला 50 पेज पढ़ेंगे फिर उसके बाद वो करेंगे, तो वो सर रिवीजन में नहीं आ पाता है। फिर आपको लगता है कि ये पढ़ तो लिया है लेकिन तैयार कुछ नहीं है हमारे पास। बिल्कुल सही। तो अच्छा, आप जो है हमारे साथ विशेषकर हिंदी निबंध और सामान्य अध्ययन के लिए जुड़े थे। जी सर। आप निबंध बहुत अच्छा लिखते हैं, मैं आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं। तो निबंध की टेक्निक्स जो है थोड़ा सा अजय जी से जानते हैं कि निबंध के लिए बेस कैसे तैयार करते हैं, लिखते कैसे हैं, और जो थॉट प्रोसेस है वो कैसे डेवलप होता है उसका जो है। सर थॉट प्रोसेस तो एक तो सर पढ़ना तो कंपलसरी है, बिना पढ़े तो नहीं करते हैं। और सर एक जो मेरे साथ रही है सर, ये ईश्वर का वरदान कहिए या कुछ, क्योंकि मैं थोड़ा शायरी कविताएं वगैरह लिखता रहता हूँ, तो सर मुझे कभी ये दिक्कत नहीं हुई कि हाँ मैं इंस्टेंट लिख लेता था वहाँ, जैसे कविताएं वगैरह भी। कुछ सुनाएंगे आप क्या, अगर सुनाना चाहें, आपकी इच्छा है? अब सर लिखा तो बहुत चीज़ें हैं, तो एक चीज़ है कि यहाँ तक पहुँचने के लिए मेरा जिया बेकरार था, आज आया है वो शुभ दिन जिसका मुझे वर्षों से इंतजार था। चलिए बहुत बढ़िया। तो निबंध पे हम लोग चर्चा करते हैं, उसी को कंटिन्यू करते हैं। जी सर। तो
जैसे आप हम लोगों ने थर्ड प्रोसेस की बात की जी सर, तो बेस के लिए क्या पढ़ते थे आप? कोई पत्र पत्रिका पढ़ते थे, कोई साहित्य पढ़ते थे, कोई अखबार पढ़ते थे, मतलब बिल्कुल स्पेसिफिक होके बताइए। अखबार तो सर डेली पढ़ना ही है अगर आपको चीज़ें, चूँकि डेटाज वगैरह आपको करंट के डेटा अखबार और मैगजीन से ही मिलेंगे, लेकिन सर आपके तो पूरा जो एसेज आपने जो दिए थे उसको मैंने पढ़ा। नहीं, जो लोग कोर्स से बाहर हैं, हम तो सभी से बात कर रहे हैं ना। नहीं सर, कोर्स से बाहर कोर्स में नहीं है, क्योंकि हम तो दे ही रहे हैं, हम बहुत कुछ दे रहे हैं, मॉडल निबंध देते हैं, और अगर उतना ही तैयार कर लिया जाए तो पर्याप्त है। लेकिन एक आम स्टूडेंट जो हमारे कोर्स में भी इनरोल्ड नहीं है, और उसको उसकी एक समस्या ये है कि उसने कभी भी निबंध नहीं लिखा है जी सर, तो उसको कैसे शुरुआत करनी चाहिए कि वो निबंध के लिए तैयार हो पाए, अपने आप को तैयार कर पाए? सर पहली चीज़ है कि जो निबंध है उसको उस टॉपिक के बारे में हमें करना चाहिए। जैसे कोई भी चीज़ दिया गया, जैसे संस्कृति और समाज के बारे में बताया जाता है कि आरओ का पहला सेगमेंट भी, आरओ का पीसीएस का भी है जो है, और संस्कृत और समाज के बारे में, तो पहले टर्मिनोलॉजीज को हमें समझना चाहिए कि संस्कृति क्या है। अच्छा, संस्कृति की एक अच्छी परिभाषा बताइए जरा सर। सर संस्कृति जो बेसिकली है कि ये हमारे सोशियोलॉजी में एक बहुत मतलब की टर्म है, और बहुत संस्कृति बेसिकली जो है वो व्यक्ति का सीखा हुआ व्यवहार है। जब व्यक्ति जो है किसी परिवार में जन्म लेता है तो बताया जाता है कि संस्कृति और संस्कार जो हैं व्यक्ति के पालन पोषण में बहुत बड़ा रोल वो करते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो बिल्कुल कोरा कागज होता है, और उसकी संस्कृति और संस्कार ही उसको जो है पोषित करते हैं और एक मनुष्य बनाते हैं। और ये सर जो है तमाम सोशियोलॉजिस्ट और तमाम वैज्ञानिक भी बताते हैं कि जो उसका परिवेश होता है वो उसे अच्छा और बुरा बनने के लिए प्रेरित करता है। रोल होता ही है, तो वही चीज़ें हैं सोशियोलॉजी में, ये चीज़ें बताई जाती हैं, और यही संस्कृत और जो बेसिकली संस्कृत। अच्छा ठीक है, चलिए संस्कृति और समाज पे निबंध लिखना है हमको जी सर, तो हमको क्या बेस पता होना चाहिए उसके बारे में? बेस बेसिकली संस्कृति और समाज दोनों को आपको पहले ये होना चाहिए कि संस्कृति है क्या, फिर आपको समाज के बारे में पता होना चाहिए समाज क्या है, और इसको हम कहाँ से पढ़ सकते हैं? सर तमाम, अब तो सर जिस पे हमारा शोध है, आप जिससे जुड़े हुए हैं आप लोगों से इंटरनेट और वो है, तो उससे सर पूरी चीज़ें हम खंगाल सकते हैं, और बुक्स वगैरह मैगजीन्स तमाम आती हैं जो है, उसके लिए आप एक्सेस कर सकते हैं। पहले बेसिक नॉलेज हो जाए, तो जैसे मेरी स्ट्रेटजी क्या थी, जो सब लोग आप भी गाइड करते हैं कि प्रस्तावना, मुख्य भाग, उसके बाद में कंक्लूजन, स्टार्टिंग में आपको कोटेशंस देनी है, लास्ट में देनी है, तो ये चीज़ें सबको पता है सर। लेकिन पहले क्या होता है कि आपको टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए, तभी आप उसके बारे में वो कर लेते हैं। जैसे इस बार सर आया था, आपने आपसे तो पहले डिस्कस हो गया था इस बारे में, आपने बताया भी थी आज़ादी का अमृत महोत्सव सर, एग्जैक्ट बिल्कुल एग्ज़ाम में मेरे फंस गया, तो मैं जब एग्ज़ाम में बैठा था तो सर आपको याद कर रहा था कि बिल्कुल आपने वो किया। तो ये चीज़ें होती है, ये बिल्कुल करेंट का टॉपिक, अब आप कहीं ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा, ये करेंट का टॉपिक था, और इसको आप पेपर और इन्हीं सब चीज़ों से तैयार करें। जैसे आपने एक मॉडल आंसर सर इसका दिया भी था, तो ये अब आप ट्रेडिशनल बुक में ढूंढें कि हाँ आज़ादी का अमृत महोत्सव मिले, तो नहीं मिलेगा। तो ट्रेडिशनल बुक से आप केवल ट्रेडिशनल चीज़ें तैयार कर सकते हैं, जैसे प्राकृतिक आपदा पर निबंध लिखना है तो सूखा, बाढ़ और भूस्खलन, ये सब चीज़ें तैयार। मतलब मैं तो अपने स्टूडेंट्स को, सभी को यही सलाह देता हूँ कि आप कितना भी ट्रेडिशनल, कितना भी स्टैटिक टॉपिक पे निबंध लिख रहे हैं, लेकिन अगर आप उसमें करंट अफेयर्स को इंक्लूड कर रहे हैं तब कुछ आप अलग हटके कर रहे हैं। जैसे कि अजय जी ने उदाहरण दिए आपदा का ही, मान लीजिए तो आपदा तो एक मान लीजिए ज्योग्राफी का की बात हो गई, अगर जिसको ज्योग्राफी की समझ है वो बाढ़ के बारे में बता देगा कि बाढ़ क्यों आती है, बाढ़ को रोकने का क्या उपाय है, इसका जनजीवन से क्या संबंध है, इसका अर्थव्यवस्था से क्या संबंध है, इसका सामाजिक जो है जो मतलब ये होता है ना कि जहाँ बाढ़ आ गई वहाँ पे विस्थापन हो जाता है, फिर लोग नए क्षेत्रों में चले जाते हैं, तो ये तो सभी लोग जानते हैं जिनको एक सामान्य समझ है। लेकिन अगर आप निबंध लिख रहे हैं और आप अपने एग्जामिनर को इम्प्रेस करना चाहते हैं, तो आप तुरंत जो है साल दो साल में जो बाढ़ से कोई बड़ी त्रासदी हुई हो, आपदा हुई हो, उससे अगर आप प्रस्तावना की शुरुआत करते हैं तो तुरंत जो है एग्जामिनर मतलब कॉपी देखते ही ये समझ जाएगा कि आप
वो घिसी पिटी पर पार्टी के निबंध लिखने वाले नहीं हैं, आपने खुद को जो है इस लेवल पे तैयार किया है कि आप अपडेटेड निबंध लिख रहे हैं। इसी तरह से संस्कृति, साहित्य, समाज भी मतलब बहुत ट्रेडिशनल सब्जेक्ट टॉपिक माना जाता है निबंध लिखने के लिए, लेकिन वहीं पर आप अगर बुकर पुरस्कार की चर्चा कर देते हैं उस साल की, या किसी भारतीय बड़े लेखक को किसी किताब के लिए कोई बड़ा प्राइज मिला है, कोई सम्मान मिला है, या देश में सम्मान मिला है, तो फिर आपके निबंध का एक अलग लेवल हो जाएगा। वो जो 40 नंबर आरओ में होते हैं उसमें 35-32 नंबर से नीचे एग्जामिनर आपको नहीं दे पाएगा, वो जो है मजबूर हो जाएगा कि वो आपको अच्छे से अच्छा नंबर दे। तो बस मेरा बस हमेशा ही सलाह रहती है, वही चीज़ है सर। मुझे लगता है कि सर जो चूँकि GIC में मेरी दूसरी रैंक थी इसमें, और GDC में मेरी तीसरी रैंक आई है, ये सर दोनों एग्ज़ाम लोक सेवा आयोग करवाता है, तो मुझे लगता है कि हाँ ठीक ठाक रैंक मुझे मिली। तो जो चीज़ें मतलब मुझे लगा कि हाँ, अगर आपकी लेखन शैली और करेंट की चीज़ें अगर आप ऐड कर रहे हैं खास करके एस्से में और इन सब चीज़ों में, तो वो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा सहयोग करती हैं। और सर मेरा इंटरव्यू जो है लोक सेवा आयोग में हुआ था, तो लोक सेवा आयोग के मेंबर खास करके उसमें होते हैं, तो ये चीज़ें मुझे जो पूछी गई कि करंट से इशूज, जैसे मुझसे लिव इन रिलेशनशिप पे क्वेश्चन पूछा गया, डाउरी पे क्वेश्चन पूछा गया, फिर उसके बाद में मुझे परिवार के बारे में, जो आजकल परिवार टूट रहे हैं उन सबसे क्वेश्चन पूछा गया। तो मुझे लगता है कि करंट हर जगह है सर, अगर आप करंट से बच नहीं सकते हैं, और करंट से अगर आप जुड़े हुए हैं तो अपने आंसर को बहुत ज़्यादा इनोवेटिव बना देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे आप अपनी ही स्टूडेंट सिप्रा जी रही हैं, अब तो DPSP हो गए इस समय जो है, तो जब पहली बार मैंने उनका एक निबंध पढ़ा जो है, जो उन्होंने कोर्स में थी उन्होंने लिख के भेजा, तो मैं बड़ा आश्चर्यचकित हुआ जो है कि उन्होंने बहुत बेसिक सा कोई टॉपिक था, सामान्य सा घिसा पीटा टॉपिक जो है, और उसको उन्होंने करंट से जोड़ के उसकी प्रस्तावना की शुरुआत की थी जो है। तो मैं इतना इम्प्रेस हुआ, उसके पहले मैं भी बहुत ज़्यादा करंट पे मतलब करंट के टॉपिक को करंट की तरह ही लिखता था, लेकिन जो स्टैटिक टॉपिक है उनमें बहुत ज़्यादा करंट वरंट का प्रयोग करने से मैं भी बचता था, लेकिन तब मुझे ये चीज़ ज़रूर समझ में आई कि ये तरीका जो है इम्प्रेस करता है टीचर को जो है, जो आपका एग्जामिनर है उसको इम्प्रेस करता है। और मेरी भी तो यही सलाह है, क्योंकि आप लोग अक्सर जो है इंटरव्यूज़ के कमेंट्स में ये पूछते हैं कि सर निबंध कैसे लिखा जाए, ये जो मैं सारे क्वेश्चन जानबूझ के कर रहा हूँ अजय जी से, वो बस यही आपको समझाने का प्रयास है कि जैसे कहा जाता है, कहावत होती है कि अच्छा वक्ता वही होता है जो अच्छा श्रोता होता है, इसी तरह से अच्छा लेखक वही होता है जो अच्छा पाठक होता है। तो सबसे पहले पाठक बनिए, अखबार पढ़िए, करंट अफेयर्स आप पढ़ते हैं, करंट अफेयर्स के लिए पढ़ते हैं, उसका संपादकीय भी पढ़िए, हर दूसरे दिन कोई ना कोई ऐसा संपादकीय आता है जिसमें अच्छे खासे डेटा भी रहते हैं और एक विश्लेषणात्मक किसी न किसी टॉपिक पे चर्चा रहती है, तो वो आपका निबंध का आधार बन सकता है, वहाँ से आप निबंध का आइडिया ले सकते हैं कि आपको जो है उसमें क्या इंक्लूड करना है। फिर जो आपके साथ चारों तरफ चल रहा है उसके उसको उससे अपडेट रहिए करंट के माध्यम से, और थॉट प्रोसेस जो डेवलप करने की बात है जो अजय जी से चल रही है चर्चा हमारी जो है, थॉट प्रोसेस यहीं से आएगा, जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा पढ़ेंगे सर उसी से, आप बिना पढ़े सोचे कि हम सोच लेंगे किसी के बारे में तो वो नहीं सोच सकते, जब आप पढ़ेंगे तब आप उसमें अपना कुछ विचार, आपके उस बारे में आपके विचार कुछ डेवलप होंगे सर। एक तो होते हैं कि आपको हमने मटेरियल दे दिया, ठीक है वो अलग चीज़ है, क्योंकि आप जो है अगर एज ए स्टूडेंट हमारे पास आए तो हमारा कर्तव्य है कि आपको मैं रिफाइंड मटेरियल दे दूँ, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि वही मटेरियल जो है 4,000 से 5,000 लोग पढ़ रहे हैं और कहाँ कहाँ सर्कुलेट है वो तो हमको भी नहीं पता है, 10-15 हज़ार लोग पढ़ रहे होंगे उसको जो है, तो अगर आप वही जाके एग्जाम में रिप्रोड्यूस कराएंगे तो फिर बहुत लोग का कॉमन हो जाएगा, तो उसको भी कैसे आप बदलेंगे, उसको बदलने के लिए आपको थोड़ा सा एफर्ट करना होगा, करंट उसमें जो है आप इंट्रोड्यूस कर दीजिए आपका जो है। सर मटेरियल आप भी जो देते हैं, जैसे कि कुछ दिन पहले मटेरियल आया, अब कोई नई घटना हुई, अगर आप उसको उसमें इनकलकेट कर देते हैं तो वो चीज़ें और ज़्यादा बेहतरीन हो जाती हैं। तो निबंध रटने से नहीं आता, निबंध जो है पूरी तरह से आपकी थॉट प्रोसेस पे है, आप जितना अधिक किसी सब्जेक्ट के बारे में चिंतन मनन करेंगे, विश्लेषण करेंगे, उतना अच्छा उस पर आप लिख लेंगे। कुछ लोगों में जन्मजात गुण होता है लेखन का, कुछ लोगों को एडॉप्ट करना पड़ता है, लेकिन चूंकि आप ऐसी परीक्षा के दुष्चक्र में फंसे हुए हैं आपको हर हाल में इससे गुजरना ही होगा जो है। तो अजय जी अब आगे भविष्य की क्या प्लानिंग है? सर अभी तो फिलहाल टीचिंग में है और टीचिंग अच्छा लग रहा है, और आगे भी सोच रहे हैं, अगर अभी तैयारी सर चल रही है सिविल सर्विसेज की, बाकी किस्मत कहाँ ले जा रही है।
मुकद्दर में क्या है तो अभी नहीं, तो तैयारी कर रहे हैं ना जो है। जी सर, अभी तो सर आपसे जुड़े हुए हैं, आपका मार्गदर्शन मिलता रहेगा। चलिए, तैयारी करते रहिए। जी सर। अच्छा, थोड़ा सा जो है, अब एक और बहुत पहलू होता है स्टूडेंट का, हम लोग थोड़ा सा आज मनोविज्ञान वाली बात ज़्यादा कर रहे हैं जो स्टूडेंट्स को, उस पर आपके जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आपने देखे होंगे, कई एग्ज़ाम में सिलेक्शन हुआ, कई में नहीं सिलेक्शन हुआ। तो ये जो ना सिलेक्शन होना होता, उस पर जो निराशा होती है, उस निराशा को आशा में कैसे बदला जाए जो है? सर देखिए, जब आप तैयारी करते हैं तो दोनों चीज़ें लेके चलनी चाहिए कि आप हर जगह चयनित नहीं हो जाएंगे। और चयनित ना होने का मतलब ये नहीं कि आप किसी से कम हैं। कई बार होता क्या है कि आप तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हैं और एग्ज़ाम पैटर्न जो है वो आपके अकॉर्डिंग नहीं रहा। आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे मेरे साथ GIC में हुआ सर। GIC में मेरे साथ जानने वाले मतलब काफ़ी लोग फेल हो गए, जिनको मतलब ठीक ठाक तैयारी थी, मेरे साथ लगातार इंटरव्यू दे रहे थे। मेरे साथ एक हमारा मित्र है रत्नेश जी, काफ़ी अच्छा पढ़ने में है, उसने मतलब मेरे साथ हरियाणा का इंटरव्यू दिया और रिटर्न वगैरह क्वालिफाई किया अपने यहाँ जो है PGT का दिया, हायर कमीशन का दिया, उसका GIC में सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो मुझे लगा कि अगर पैटर्न थोड़ा सा, अगर आप बिल्कुल ट्रेडिशनली चल रहे हैं तो आपके लिए दिक्कत है, थोड़ा आप डाइवर्स होना चाहिए कि हाँ कि अगर क्वेश्चन थोड़ा हटके आता है तो उस पर भी आपको फोकस होना चाहिए। और यही चीज़ें हैं कि अगर अब इससे तो तय तो हो नहीं गया कि हाँ उसके पास नॉलेज नहीं है, उसने नहीं, एक एग्ज़ाम जहाँ तक ज्ञान या नॉलेज की बात है, दुनिया की कोई ऐसी परीक्षा नहीं है जो आपके ज्ञान को तय कर पाए जो है। सर मेन चीज़ होता क्या है कि आदमी निराश क्यों होता है, उसको लगता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, कि हाँ अब मैं मतलब एलिजिबल नहीं हुई। आपने सिलेक्शन अगर नहीं हो पाया फाइनल आपका, तो यही लगता है, निराशा आती है कि हाँ मतलब इस एग्ज़ाम के लिए मैं एलिजिबल नहीं था, आगे पता नहीं क्या होगा, सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। आदमी को खुद की क्षमताओं पे संदेह होने लगता है। तो वही चीज़ें हैं उसमें, कहते हैं अमिताभ बच्चन जी की बहुत अच्छे, लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो कई चीज़ें हैं कि हम लोग प्रयास करते रहते हैं, इस बार नहीं हुआ अगली बार होगा, अगली बार नहीं हुआ तो अगली बार होगा। तो ये चीज़ें लगातार प्रयास करने से होंगी। आप जरूरी नहीं कि पहली बार बैठें और पहली बार में हो जाएं। और हमारे साथ हमारे मित्र दुर्गेश जी हैं, वो तो कई मेंस लिखे और उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। खैर अच्छा, उनका भी बड़ा ये रहा कि वो हमारे पास RO के लिए आए और बन गए PCS जो है। आपका सर वही चीज़ है कि आपके पास आता है कोई कुछ ना कुछ लेके जाता है। अच्छा, जरूरी नहीं सर, अच्छा ही लेके जाए। RO कोई लिमिट नहीं किसी के लिए जो है। जी सर, जी सर। RO जरूर एक प्लेटफॉर्म हो सकता है किसी के लिए, लेकिन उससे अच्छा ही मिल जाए तो बहुत अच्छी नहीं, बात नहीं सर है। वो तो अच्छी चीज़ है कि आदमी को कुछ ना कुछ मिल जाए, आदमी बहुत उम्मीद से। आज के समय में सर एक सरकारी नौकरी मिल जाए तो आदमी पहले ये सोचता है कि कहीं मिल जाए। सर एक समय मुझे ये था कि जब मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो रहा था तो मुझे खुद ही डाउट होने लगा था, होगा सिलेक्शन या नहीं होगा। इंटरव्यू से मैं बाहर हो रहा हूँ तो सर मैं इंटरव्यू के लिए दो दो तीन दिन कोचिंग वो कर रहा था, लगातार मॉक देना। उसके बाद में जब मेंस लिख रहा था तो सर आपसे तो जुड़ा था, दुर्गेश जी भी थे हमारे मित्र, एक अनीस जी हैं इस समय SDM हैं, अच्छा, वो भी मेरा एवेल्युएशन कर रहे थे। भैया हमारे हैं अभी सिविल की तैयारी करते हैं, CV भैया, वो भी देख रहे थे। बाकी अंबुज जी हैं, अच्छा, ये सब लोग लगातार मतलब कॉपी जब हम लिखते थे तो आपके पास तो भेजते थे, आपका बिजी शेड्यूल रहता है, रेस्पॉन्स है, तो इन लोगों से भी मैं लगातार चेक करवाता रहता था कि हाँ कैसा है। तो ये लोग भी पॉजिटिव रिस्पांस देते थे कि हाँ सही है, सही डायरेक्शन में जा रहा है। तो अच्छा, आप थोड़ा सा एक और अलग दिशा में बात करें। जी सर, कोचिंग वगैरह का क्या रोल आपने देखा अपने जो है इस जर्नी में जो है पढ़ाई की? सर कोचिंग का रोल एक तरीके से देखा जाए तो गाइडेंस का रोल होता है। कई बार चीज़ें हैं कि हमें पढ़ने के लिए पता है कि ये चीज़ें पढ़नी है, ये मटेरियल ये है, एक अनुशासन जो है वो कोचिंग से अनुशासन मिल जाता है, हमको टारगेट मिल जाता है। अब जैसे हमने आपकी तरफ से सर मटेरियल वगैरह मिल गया, आपने बताया ये एस्से तैयार कर लीजिए, तो उस एस्से को तैयार करने के बाद अब
जैसे हमें एक मानक है कि आप सही बताएंगे, जैसे हमारे फ्रेंड्स में क्या है, वो हमारे बराबर हैं, अब वो सही बता रहे हैं गलत बता रहे हैं वो थोड़ा डाउट होता है, लेकिन आपसे क्या है कि आप सही ही बताएंगे, थोड़ा एक बिलीव होता है। जरूरी है कि आप किस पे बिलीव कर रहे हैं, कोचिंग मटेरियल वाले ही सिलेक्शन नहीं दिलाते हैं, लेकिन हमारा सर एक ट्रस्ट हो जाता है कि हाँ कोचिंग से जो है मुझे अच्छा मिलेगा, और एक डिसिप्लिन आ जाती है, और मटेरियल सर समराइज मिल जाता है, गाइडेंस मिल जाता है, तो वो चीज़ें थोड़ा आसान हो जाती है सर मुझे। या यूँ कहें कि एक बच्चे को जो कुछ मतलब करना पड़ता है उसका आधा जो है कोचिंग संस्था जो है कर देती पहले से, आपको काट छांट के सब तैयार करके मटेरियल दे देती सर। इसमें दौड़ भाग नहीं करना है, जैसे आपको क्या है जैसे खाना बनाना है तो सब सामान इकट्ठे मिल जाते हैं, आपको केवल बनाना है, तो वही चीजें होती है। अब आपको दुकान से अलग अलग चीजें लेना नहीं जाने चीजें, तो ये कोचिंग मटेरियल जो है कोचिंग वाले ये सब चीजें कर देते हैं, तो आपके लिए थोड़ा आसान हो जाता है मुझे लगता है। लेकिन ये भी कोई बहुत ऐसा मानक नहीं कि आपको जो है कोचिंग से ही जुड़ना है या किसी संस्थान से, अगर आप किसी से भी अगर किसी के टच में हैं, जरूरी नहीं कोचिंग, कोई भी आपका सीनियर हो, कोई भी सिलेक्टेड पर्सन हो जो आपको थोड़ा सा सही दिशा में गाइडेंस दे सके, तो बस आप उसके गाइडेंस में सेल्फ स्टडी करके भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कोचिंग से ही सिलेक्शन होते हैं, और ख़ासकर आजकल आप ये देख ही रहे हैं यूपीएससी के एग्जाम में कोचिंग वोचिंग का तो खेल ही खत्म हो गया है। खत्म हो गया। अब सर जैसे मेरा जीआईसी में वो क्या नाम है जेआरएफ का, जब मेरा नेट जेआरएफ हुआ तो सर मैंने कोई कोचिंग नहीं ली थी, इवन मैं एमए कर ही रहा था तो मैंने सेल्फ स्टडी किया, और उसके बाद में मेरा पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो गया। तो वो चीज़ें हैं कि सर आप एग्ज़ाम पैटर्न, जैसे कोचिंग्स क्या होते हैं एग्ज़ाम पैटर्न्स बता देते हैं, मटेरियल दे देते हैं, अब वही चीज़ें हैं जो चीज़ें आपको एक दिन में सीखना है वो आपको दौड़ भाग करके दो दिन लगानी पड़ेगी, थोड़ा टाइम बच जाता है, मेहनत कम होती है, तो ये चीज़ें होती हैं। कोचिंग जरूरी नहीं है कि हाँ को, लेकिन एक तरीके से देखा जाए कि आपको सहयोगात्मक बिल्कुल वो फैसिलिटेटर के रूप में भूमिका निभा देते हैं आपके साथ में, तो अच्छी बात भी है। और सारी कोचिंग्स ख़राब भी नहीं होती हैं, बहुत अच्छी अच्छी कोचिंग्स हैं आज की डेट में जो है, क्योंकि अच्छे अच्छे टीचर भी हैं वहाँ पर। सर मुझे लगता है कोचिंग खराब या सही नहीं होती, आप कितना बिलीव करते हैं और आप चूज कैसे करते हैं। बिल्कुल सही। हर आदमी अगर कोचिंग आई है तो कहीं ना कहीं उसने अपना एक वो इस्टेब्लिश करके आई है, और लोग अब आप अगर बिलीव नहीं करते हैं तो वही चीज़ें हैं कि मानो तो देव नहीं तो पत्थर। बिल्कुल सही। तो अगर आप किसी के से जुड़ते हैं, अगर उस पर ट्रस्ट है और ट्रस्ट के बाद आप मेहनत करते हैं, उसके बताए गए मार्गों पर चलते हैं, तो मुझे लगता है सफलता निश्चित मिलेगी सर। तो आपकी पीएचडी पूरी हो जाएगी क्या? टीचिंग में इससे बड़ी भी कोई जॉब है इस समय जो है? नहीं सर, सबसे बड़ी डायरेक्ट किया जा सकता हो? नहीं नहीं सर, सबसे बड़ी पोस्ट है। तो मतलब अब टीचिंग वाला तो रास्ता आपका क्लोज ही है, यहीं से या यहीं से आप प्रमोशन वगैरह पाके ऊपर जाएंगे? सर अभी तो जो प्रमोशन होगा सर, सबसे चूंकि यूपी सरकार की सबसे बड़ी पोस्ट है 6000 ग्रेड पे की, और इसके बाद में सर इसमें स्कोप भी ठीक ठाक है। अच्छा। आगे प्रमोशन जो है मेरा अभी एसोसिएट पे होगा, उसके बाद फिर सर मेरा अगर मैं जाना चाहूँ, चूँकि एज मेरी कम है अभी 25-26 साल है, तो आगे मुझे जॉइंट डायरेक्टर डायरेक्टर तक प्रमोशन मिलेगा। इसके बाद अभी जैसे पहला प्रमोशन जो मुझे मिलेगा रीजनल हायर एजुकेशन ऑफिसर का, जो मंडल पे होते हैं उच्च शिक्षा अधिकारी उस पे होता है, फिर डायरेक्टर जॉइंट डायरेक्टर इन सब पे। चलिए दुर्गेश जी, काफ़ी लंबी बातचीत आपसे हुई, और जो बातचीत का उद्देश्य था वो आप लोगों ने देखा ही होगा, आप लोग सुन ही रहोगे, बस क्या पढ़ा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, क्या इन्होंने किया और क्या सही तरीका है, ये आपको बताने का उद्देश्य था। बाकी चाहे टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी की जाए, चाहे आप पीसीएस तैयारी करें, चाहे आप आरओ की तैयारी करें, पढ़ने का जो बेस कॉन्सेप्ट है वो सभी का एक ही है, सबका तरीका एक ही होना चाहिए। और जैसा कि अजय जी ने अपनी इस लंबी चर्चा में हर चीज़ के बारे में डिस्कस किया, खासकर निबंध के आप लोग के बहुत सवाल थे पिछले कुछ वीडियोज़ पर, तो इसीलिए हम निबंध को स्पेशली जो है यहाँ से सिखाई करके हम लोगों ने डिस्कस भी किया जो है। और जो आप लोग बुक्स पूछने में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, तो बुक्स के लिए वीडियोस यहाँ पर चैनल पे बहुत सारे पड़े हुए हैं, कुछ हम लोगों ने डिस्कस भी किए हैं, लेकिन ये भी समझ लीजिए जैसे अजय जी ने कहा कि लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए, पॉलिटी की गीता कही जाती है उसको जो है, लेकिन कोई लक्ष्मीकांत पूरा नहीं पढ़ता है। यस सर, लक्ष्मीकांत से आपको उतना ही पढ़ना है जितना आपके एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है जो टॉपिक्स जो है मेन चीज़। सर किसी अगर आपने लक्ष्मीकांत को देखा हो
किताब को जो है, तो आप ये समझ लीजिए कि आप एक साल में उसको नहीं पढ़ पाएंगे अच्छे से। अच्छे से पढ़ना हो तो हाँ, चीज़ें नहीं कवर उसमें सर। ये इसी केवल एक ही सब्जेक्ट के लिए लक्ष्मीकांत या फिर पॉलिटी के लिए नहीं है, ये सर सभी पेपर्स के लिए, सभी मतलब जो वो होते हैं। बिपिन चंद्रा का आपने नाम लिया, बाकी और भी जो है किताबों का नाम लिया, तो इसका ये अर्थ नहीं कि उसको हमको पहले लाइन बाई लाइन तक पढ़ना है जो है, तो ये चीज़ें नहीं होती। आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ना है कि एग्ज़ाम में किस चीज़ का वेटेज है। अब जैसे आप कभी जो है इसमें जो है हमारा फंडामेंटल राइट्स जो है, आप सोचे कि पॉलिटी से स्किप करके और हम एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे, नहीं संभव ही नहीं है। तो जो चीज़ें हैं कि अब आप जो चीज़ें उसमें ज़्यादा रोल है उसका, अनुच्छेद एक से लेकर और संसद तक तो जो है पढ़ना ही पढ़ना, उसमें तो कुछ छोड़ा ही नहीं जा सकता है। उसके बाद का नहीं पढ़ना है वो आप जो है आपके परीक्षा का पैटर्न डिसाइड करेगा। हाँ, क्योंकि लोक सेवा आयोग जो है ये शुरुआत में जो है जितने भी लगभग 50 आर्टिकल हैं वो सब जो है उसके फेवरेट वाले ही। अब सर जैसे हम लोगों में क्या है कि हम लोगों में जैसे महिला महिला से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे ही, महिला किसान प्रमुख हो गया, किसान हो गए, तो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसको आपको तैयार ही होना चाहिए। जैसे महिला सशक्तिकरण हो गया, इसके बारे में आप से अगर कहा जाए कुछ लिखने के लिए, जैसे ऐसे हो गया या फिर चीज़ें हो गई, तो इन सब चीज़ों के बारे में आप बिना सोचे लिखना शुरू कर दें। जैसे किसान हो गया, ये फेवरेट टॉपिक है आयोग का, लोक सेवा आयोग का फेवरेट टॉपिक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको हमेशा तैयार रखना चाहिए। तो अजय जी आपको भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं चाहता हूँ कि आप आपका वो भी सपना जो आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के रूप में आना चाहते हैं समाज में, वो भी पूरा हो। फिलहाल तो आप एक अच्छे पोस्ट पर, एक अच्छे जो है जॉब में, एक अच्छे पद पर आ ही चुके हैं, और उससे आप अपना समाज में योगदान दीजिए। और जहाँ तक हम लोग के योगदान का की बात है, तो आप हमारे विद्यार्थी हैं, अच्छे विद्यार्थियों में से एक हैं, तो वो हमारा आपका जो है अब तो जीवन भर का रिश्ता है, वो चलता ही रहेगा। आपको जहाँ भी ज़रूरत होगी निसंकोच हम आपके साथ ही खड़े हैं। तो जी सर, तो पहले तो सर मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, और इसके साथ ही सर हम अपने परिवार, हमारी माता जी, हमारे बड़े भैया श्री संतोष शुक्ला जी और अशोक शुक्ला जी जो इसमें बैंक मैनेजर हैं, अच्छा, और हमारे परिवार के और सदस्यों का जिनका विशेष सहयोग रहा है, भाभी जी का सर मुझे बहुत सहयोग रहा है जो चोरी से आपको पैसे देती थी, और ख़ास करके हमारे गुरुजी डॉक्टर विनोद चंद्र जिनके अंडर में मैं शोध कर रहा हूँ, जी जी, और वीएन मिश्रा सर और बीआर साहू सर, अनीता वाजपेयी मैम, और हमारे मित्र जितने हैं उन लोगों का विशेष सहयोग रहा। नाम तो लिए, 5-6 नाम ले चुके हैं जी सर। और हमारा भतीजा है सर, वो अमन शुक्ला, उसका सर विशेष सहयोग रहा, चूंकि वो चावल दाल चोखा बना के मुझे मेरे जब तक एग्जाम चल रहे थे तो खिलाया। सही है, बढ़िया है। तो सर इन लोगों का सर विशेष सहयोग रहा। ठीक है, बहुत अच्छा, इनका सर मैं आभार व्यक्त करता हूँ जी सर। चलिए फिर मिलते हैं किसी और साक्षात्कार में, और जो भी आपके सवाल होंगे पढ़ाई से, स्ट्रेटजी से रिलेटेड, बुक्स से रिलेटेड, आप कमेंट करिएगा। और अजय शुक्ला जी से मैं वादा ले चुका हूँ कि ये कमेंट्स का जवाब देंगे जहाँ तक संभव होगा। आप निसंकोच पूछिएगा जो आप पूछना चाहते हैं उनसे। आरओ के लिए जुड़े थे, असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए, अब इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। मैं तो चाहता हूँ कि आप जल्दी आईएएस बनिए, वो भी जो है बहुत बहुत शुभकामनाएँ आपको। तो आज के इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद सर।